प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री और कसरावत के विधायक सचिन यादव ने रविवार को विश्वास जिनिंग परिसर में कांग्रेस की नारी सम्मान योजना का शुभारंभ किया है। यादव ने कार्यक्रम के पश्चात महिलाओं को नारी सम्मान योजना के फॉर्म खुद ही भरे। यादव ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनते ही इस योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता और 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। ये वादा नहीं वचन है और कांग्रेस जो वचन देती है उसको पूरा भी करती है। प्रदेश में इसी वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव है और हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं को नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए प्रतिमाह देने का हम वचन देते हैं। आप अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं से आवेदन करवाएं ताकि महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जा सके। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। सर, आपने नारी सम्मान योजना का आयोजन कसरावत में किया, क्या है सर इस योजना का और किस तरीके से लाभान्वित होगी महिलाएं? देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, ऐतिहासिक दिन है। आज आत्मदर्शन साथी मना रहे हैं और आज ही के दिन हमारी कांग्रेस पार्टी की एक महत्वाकांक्षी योजना जो आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होने वाली है, नारी सम्मान योजना को आज हम कसरावत से हमारी विधानसभा में इसको लागू करने जा रहे हैं। 9 मई को पूरे मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने इस योजना का शुभारंभ करने का काम किया था। इस योजना के अंतर्गत हमारी जो माताएं बहनें आज जो महंगाई की जो मार झेल रही हैं, जहाँ आटे के दाम, दाल के दाम, खाने बनाने के तेल के दाम, गैस की टंकी के दाम, हर चीज के भाव आसमान पर पहुंच गए और ऐसे समय में हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी की ये सोच ही कि इस चुनौतीपूर्ण समय में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारी माताओं बहनों के संकट के समय में हम उनके साथ में खड़े हैं और इसीलिए हमने ये योजना लागू करने का काम किया, जिसमें बिना किसी शर्त बिना किसी नियम के हमने 1500 रुपये हमारी माताओं बहनों को प्रतिमाह हम देने का काम करेंगे और साथ ही साथ 500 रुपये में गैस का सिलेंडर भी हम हमारी माताओं बहनों को उपलब्ध कराने का काम करेंगे। कुल मिलाकर के पूरे महीने भर में हम हमारी माताओं बहनों को लगभग 25,000 रुपये की राहत पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे और इसके अलावा भी हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके लिए हमारा जो वचन पत्र है उसमें 100 रुपये में 100 यूनिट और जो हमारी वृद्ध माताएं बहनें हैं, जो पेंशनधारी हमारी माताएं बहनें हैं उनके लिए जो पेंशन की योजना है उसमें हम लोग जिस प्रकार से हमने 300 से 600 करने का काम किया था और उसी प्रकार से हम लोग अपने वचन के अनुसार उसको भी 1000 रुपये देने का काम हम लोग करें। निश्चित ही कांग्रेस का घोषणा पत्र है कि आप महंगाई कम करना चाहते हैं और जिस तरीके से अभी कर्नाटक के परिणाम आए उसको देखकर क्या लगता है मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए आप कितने आसानी थे? देखिए, निश्चित रूप से जो कर्नाटक के परिणाम है वो कर्नाटक के परिणाम आज जो देश के असल मुद्दे हैं उन असल मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी ना तो चर्चा करती है और ना ही उन दिशा में उन समस्याओं को दूर करने की दिशा में कोई पहल करती है या कोई कदम उठाती है और कहीं ना कहीं ये कर्नाटका में जो जीत हुई है वो हमारी जो गृहणियां हैं, हमारी जो माताएं बहनें हैं जिनके लिए उनका परिवार का संचालन करना, उनका घर का चूल्हा जलाना एक बहुत बड़ी चुनौती। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।